अभी थोड़ा सा वाणियों को विराम देते हुए हमारी रेणु बहन से कहूंगी कि वे थोड़ी देर हम सभी को साइलेंस के वर्ल्ड में ले चलें। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए एमबीए किया हुआ है, आपने नीदरलैंड से कार्गो की ट्रेनिंग ली और अपना ही फ्लाइट फॉरवर्ड का काम इंडिपेंडेंटली शुरू किया और अभी भी करती भी हैं। राजयोगा मेडिटेशन सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स अनेक इंस्टीट्यूशंस बैंक स्कूल्स कॉलेजेस में कराती हैं। आपने देश विदेश में भी भ्रमण किया हुआ है और अनेक नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स और कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है, तो हमें भी साइलेंस वर्ल्ड में ले जाएंगे। मंच पर आसीन न्याय शिक्षा एवं आध्यात्मिक जगत के आदरणीय ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जस्टिस एडवोकेट्स राजयोगिनी आदरणीय निर्मला दीदी जी, आदरणीय संतोष बहन जी, आदरणीय भ्राता चेयरपर्सन महेश्वरी जी, आदरणीय लता दीदी जी, सभा में उपस्थित परमात्मा पिता की प्रिय संतानों बहनों एवं भाइयों, आज के तीन दिन पूर्व हम सब ने आबू की इस पावन धरनी पर एक जर्नी का आरंभ किया था और मैं समझती हूँ और हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि इन तीन दिनों में आप स्वयं को एक अलग पर्सनैलिटी के रूप में अनुभव करते होंगे। जैसा कि ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अरोरा भाई जी ने कहा कि ये सेशन हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी इंट्यूशन, हमारी इनर वैल्यूज़ को पॉजिटिव और सक्षम करने में सहायक होगा। स्वयं को जान लिया, मुझ आत्मा के पिता जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं उनको भी पहचाना, और जो इनर रिसोर्सेस अपने भीतर के खजाने, शांति का असीमित भंडार, प्रेम का खजाना, शक्तियों का खजाना, इन सब खजानियों को लिए हुए, धारण किए हुए शक्ति का पुंज तो मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। तो आइए कुछ क्षणों के लिए अपने उस भीतर के सागर में आत्मचिंतन के द्वारा, संकल्पों की शक्ति के द्वारा, एकाग्रता की शक्ति के द्वारा उसमें से कुछ रतन निकालते हैं और प्रकृति के बाहर के शोर को भी ना सुनते हुए भीतर की शांति की गहराइयों में चलते हैं। और क्यों ना एक रूहानी यात्रा, आप यहीं बैठे रहें, चारों तरफ से इस आवाज की दुनिया से भी परे अपने विचारों को समेटेंगे, सब मिलकर एक रूहानी यात्रा पर चलते हैं। मैं एक अति सूक्ष्म एनर्जी हूँ, आइए इस स्थूल क्षेत्र, इस कर्म क्षेत्र की दुनिया से, इस शरीर से कुछ देर के लिए स्वयं के विचारों को,
दोनों आँखों के मध्य केंद्रित करेंगे। मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा कर्म क्षेत्र है। इस शरीर को यहीं छोड़ेंगे, इसी हॉल में बुद्धि के विमान पर विराजमान होंगे। आइए सब मिलकर इस हॉल से बाहर शांति वन के परिसर में रिसेप्शन में पहुंचते हैं। एक अति सुंदर आवास की गति से भी अधिक तेज चलने वाला विमान हम सबको इस आवास की दुनिया से परे ले चलने के लिए वहाँ विराजमान है। चिंता की बात नहीं, अति सूक्ष्म रूप में हम सब उसमें सवार हो जाते हैं। विमान उड़ता है। इन पांच तत्वों की धरनी को नीचे छोड़ते हैं, आकाश में पहुंचते हैं। इन पांच तत्वों से परे आवाज की दुनिया से भी परे सूर्य चांद सितारों से भी परे पहुंचते हैं उस छठे तत्व में। बुद्धि की तीसरी आंख से देखें, चारों ओर लाल रंग का सुनहरी प्रकाश है। दूर दूर तक उस प्रकाश की दुनिया में स्वयं को देखें। चारों ओर शांति ही शांति है। स्वयं को एक अति सूक्ष्म छोटे से स्टार के रूप में देखें। मैं आत्मा शांति की किरणों में, शांति के सागर में, शांति की लहरों में डूबती जा रही हूँ। शांति मेरा धर्म है। I am an embodiment of peace। यहाँ कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, ये मेरा निज धाम है, मुझ आत्मा का घर, परम धाम, मेरे पिता जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, ये शिव बाबा का भी घर है, परम धाम, मुक्ति धाम। इसी प्रकाश की दुनिया में देखें ज्योतिर्बिंदु, प्रकाश के स्वरूप में इस दुनिया के मालिक
परमपिता परमात्मा को सामने एक बड़े स्टार के रूप में देखें। मैं एक छोटा स्टार हूँ, वो भी एक अति सूक्ष्म रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु, परमपिता परमात्मा, शांति की लहरें उनसे प्रवाहित होकर मुझ तक पहुंच रही है। मुझ तक तो क्या, नीले आकाश को भी छेदते हुए संपूर्ण विश्व पर वो शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें इस विश्व में आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। महसूस करें मुझ आत्मा की बैटरी उस सुप्रीम एनर्जी से चार्ज हो रही है। महसूस करें उस शक्ति को, उस चार्जिंग को। इसी शक्ति को स्वयं में समेटे, उस विश्व के पिता को छुट्टी लेते हुए वापिस इस भौतिक जगत में, इस हॉल में अपनी कुर्सी के आसन पर विराजमान हो जाइए। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु बहन, आपने हम सभी के अंदर बहुत सारी शक्तियां भर दी हैं। अब आगे हमारे बीच में ब्रदर एसएस पांडे, वाइस चांसलर ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे भी अपना वक्तव्य हम सभी के सामने रखें। एसएस पांडे जी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स आरडी यूनिवर्सिटी जबलपुर में रह चुके हैं। आपने अनेकों बार विदेश यात्रा की हुई है। आपने मैथमेटिक्स के अनेक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं और वर्तमान में आप वाइस चांसलर ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन उपस्थित हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हम सभी को मार्गदर्शन करें इस विषय पर। ओम शांति। आज के समापन समापन प्रोग्राम के में उपस्थित ऑनरेबल जस्टिस अरोड़ा साहब, जस्टिस राठी, आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन महेश्वरी जी, निर्मला बहन एवं कार्यक्रम की संचालक लता बहन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, यह एक ज्यूरिस कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में हम लोग 11 तारीख से शुरू हुई है, आज समापन है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। यह ज्यूरिस या विधि क्या होती है? विधि विधान अगर हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, विधि विधान होता है, हर कार्यक्रम का एक नियम होता है, हर कार्यक्रम का एक विधान होता है। अगर यह ज्यूरिस या लॉ या विधि ना हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
हम निरंकुश होंगे। देखिए जजेस और पुलिस का भय बहुत रहता है कि अगर गलत करेंगे तो दिक्कत होगी, कोर्ट कचहरी जाना होगा। अगर आप हम लोग देखें सामान्यतः तीन चीज़ों से सभी बचना चाहते हैं, डॉक्टर, पुलिस और वकील। तीन चीज़ों से दूर रहें तो हमें कोई अशांति रहेगी, हमें अशांति कम होगी, इसीलिए हमें विधि नियमों का पालन करना चाहिए हमेशा। आज सुबह मैंने सेशन मैंने अटेंड किया था जो परफेक्शन के ऊपर था। परफेक्शन होता क्या है, कभी इसके बारे में हम लोगों ने सोचा? कई बार लगता है कोई चीज़ दिखती है वो आपको परफेक्ट लगती होगी, लेकिन क्या वही चीज़ दूसरे के लिए भी परफेक्ट है? क्योंकि मैं बेसिकली टीचर हूँ, गणित का टीचर हूँ, इसलिए एक ही प्रश्न के कई बार कई उत्तर होते हैं। बच्चा लिखता है और कई बार कई आथर अलग अलग होते हैं, तब भी वो कहता है मेरा उत्तर सही होगा, लेकिन नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ फिर परफेक्शन की खोज की जाती है। परफेक्ट उत्तर क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन वह कब प्राप्त होता है इसके बारे में अगर आप सोचें कि अगर आदमी तन मन एवं अपनी बुद्धि को एकचित करके कोई कार्य करता है तो उसे परफेक्टली वह काम कर सकता है। लेकिन क्या सामान्यतः यह एक आम मानव ऐसा तन मन एवं बुद्धि का एकचित कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि तीनों का एक मेल हो जाए तो आदमी परफेक्ट हो जाता है। कहे मन बहुत चंचल होता है, मन जल्दी एकाग्र नहीं होता है। हमें इसके लिए कैसे होगा ये मेरा ख्याल, यहाँ आके आप लोग हम लोग जब कुछ दो या तीन दिन के सेशन को अटेंड करें तो मन को कंट्रोल करना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप देखें जब भी आप कभी शांति से बैठे, एक चित होकर बैठे, लेकिन मन शांत नहीं होता, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। सही है या गलत है इसकी परिभाषा या इसके ऊपर विचार न करें, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता। हमें लगता है आज ये मिला, कल ये मिलना चाहिए, परसों ये मिलना चाहिए, अंत में हमें बहुत बड़ी चीज़ मिल जाना चाहिए। क्या होता है ऐसा? लेकिन हम अपने विचार और आदमी दिमाग बंद करके करता है तो बहुत सारे दिवा स्वप्न देखता रहता, यही मन है। लेकिन अगर कोई काम करते समय हमने इसको एकचित नहीं किया तो गलतियाँ होना बहुत संभव है। आप देखें कई बार ये होता है, कई बार हम कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मन में हमें हार गए देन वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट वर्क विथ फुल ऑफ द फोर्स। अगर मन में उत्साह होता है, इसीलिए विद्यार्थी या किसी को कहा जाता है पूरे मन से, पूरे उत्साह से, पूरे तन मन धन से कार्य करना, तभी सफलता मिलेगी। अगर किसी को सफलता नहीं मिलती है, विवेकानंद जी ने कहा है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किए गए। मुझे नहीं लगता अगर हम मानव किसी काम में पूरे मन से कार्य करें तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तय है, लेकिन उसको पूरे मनोयोग से करने की जरूरत होती है। यदि आपने देखे सफलता, फिर वही दिक्कत होती है, हम सफलता का पैमाना क्या रखते हैं। अगर किसी ने बहुत, हमें जाना है मान लीजिए 25 किलोमीटर की दूरी कोई तय करनी है, लेकिन हमने तैयारी की है 100 किलोमीटर की और हमने उस स्पीड से बढ़े और बड़े जल्दी वहाँ पहुँचे तो लगता है ये काम बहुत परफेक्ट हुआ, 10 मिनट में हो गया। लेकिन हमें उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। यदि आप जंगल में जा रहे हैं कोई शिकार करने के लिए, आपने सोचा हमें तो सियार का शिकार करना है, हमें कोई बड़ा शिकार नहीं करना है, लेकिन मान लीजिए अचानक आपके पास शेर आ जाए तो क्या करेंगे आप, भागाएंगे बाहर? तो हमें अगर छोटा काम भी करना हो, लेकिन हमें बड़े काम की तैयारी के साथ उस काम के लिए उतरना है चाहिए। यदि हम शेर का शिकार करने की तैयारी से जंगल में जाएंगे तो हमारे सामने कोई भी जानवर आएगा हमें कोई भय नहीं होगा, हम उस कार्य को संपादित कर पाएंगे। लेकिन हम कई बार जब छोटे छोटे गोल को तय करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हमारा गोल बहुत ऊँचा होगा, मान लीजिए हमने बहुत बड़ी चीज़ की अचीव करने की इच्छा रखी, अगर वो नहीं मिलती है तो भी हमें जो मिलेगा वो हमारी इच्छा शक्ति से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा गोल बहुत ऊंचा था, वहाँ तक नहीं पहुँचा, उससे थोड़ा नीचे रहे, बट दैट्स ये मोर इम्पॉर्टेंट, हमें उससे खुशी होनी चाहिए। अगर हमें खुशी नहीं है तो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता है। और खुशी होने के लिए देखिए दिन भर आप 24 घंटे का एनालिसिस कीजिए, एक या दो कारण आपको मिलेंगे खुश होने के और 50 कारण मिलेंगे दुखी होने के। अब आप किस चीज़ का इंजॉय करना चाहते हैं आपके ऊपर तय हैं। 50 कारण को लेके पूरे दिन भर रात भर आप दुखी होकर पूरी नींद आप अपनी खराब कर सकते हैं। एक कारण आपको मिला जो खुश होने का, उसको एंजॉय कीजिए, यही जिंदगी है। अगर आप जो गड़बड़ हुआ उस चीज़ को करें, उसको पूरे मनोयोग से फिर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर उसी चीज़ को होता है, अगर आप किसी चीज़ को याद रखते हैं पूरे जिंदगी भर उसी को वो करते रहें तो उससे आपको खुशी हासिल नहीं होगी।
खुशी एक क्षण में मिलती है, पूरे 24 घंटे बरकरार है, लेकिन एक क्षण में अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, मान लीजिए आप घर पे गए, घर पे किसी ने आपसे प्रेम से बात किया, दस वो आपको अच्छा लगे, बाहर से बहुत दुखी होकर बहुत चिंता ऑफिस से गए एक बहुत सारे तनाव को लेकर, लेकिन घर में एक क्षण में आपका तनाव दूर हो गया, तो वो एक खुशी होगी जिससे कि आपको होगा। दूसरी चीज़, हमें जो भी करें सुबह शाम अपना एक निश्चित विधि करें, सुबह माने ध्यान लगाएं करें, और शाम को जब करें तो फिर 5 मिनट का अगर समय लगा के भगवान को जो भी किया उसको अर्पित करें, तो देखिए आपको बढ़िया नींद आएगी। आजकल ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लोगों को नींद नहीं आती है। अगर आप 11 बजे सो जाइए, सुबह 5 बजे तक सोते हैं, तो अगर रात में एक बार नहीं जगते तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। और ये कब होगा? जब आपके मन से भय दूर होगा, आपके कर्म सही होंगे, आपके क्रियाकलाप सही होंगे, तब होगा। आधे लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती इसलिए कि हमने ये गलती कर दी, अब इसका क्या होगा। रात में जब एनालिसिस करते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होता है। हम लोग ये मानते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, हाँ नीलाभ जीवन मरण यस अपजस विधिहान हुई हैं ईसोई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावन साखा। जो भी हुआ उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उसकी निश्चित है गलत किया उसकी सजा मिलेगी, लेकिन आपके हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। फिर इफ एंड बट क्यों, फिर सोच विचार क्यों, लीव इट, जो भी है आपके पास उसका एंजॉय कीजिए। देखिए यही जिंदगी है, अदरवाइज आप पूछते रहेंगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होगा। एक और है, पता नहीं एक दूसरा सेशन था जिसको मैं नहीं सुन पाया था, पावर ऑफ साइलेंस, एक चुप हजार को हरावे, ये पुरानी कहावत है आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। अगर सामने वाला एक शब्द कहता है, हम उसका जवाब 2 शब्दों में देने की तैयारी करते हैं। देखिए भगवान ने मुंह एक दिया है, कान 2 दिए हैं, तो हमें सुनना ज़्यादा चाहिए बोलना कम चाहिए। अगर इसका पालन करें तो बहुत सारे आपके की समस्या कम हो जाएगी। मैं यंग था जब हम लोग कहीं थे, वहाँ पे हमारे कुलपति जी हुआ करते थे, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, उनके सामने कई बार विद्यार्थी टीचर सब जाके कुछ भी कहते थे, वो एक चुप होकर सुनते रहते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। आधे घंटे के बाद आदमी थक हार के चला जाता था कि इनसे आपसे कहना सब व्यर्थ है। लेकिन उसी पे आप रिएक्शन दीजिए तो बात से बात बढ़ेगी, बात आगे बढ़ जा सकती है। लेकिन आप वो आदमी आपसे निराश जरूर होगा, लेकिन उसकी जो समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए आप प्रयास कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप उसको जवाब दें, समस्या दूर होगी अपने आप, दूसरे दिन आएगा कहेगा कि आपने सर समस्या कर दी, उस दिन तो जवाब नहीं दिया तो खुशी होगी उसे। लेकिन आप तर्क वितर्क करते हुए उसको वो करेंगे तो उसको खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए साइलेंस, चुप रहना एक बड़ी ताकत होती है, और मेरा ख्याल है इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और मेरा परफेक्शन को लेके एक बार फिर मैं कहूंगा कि देखिए परफेक्शन है, जब तक उस पे हमें संतोष न हो जाए उस कार्य को करते रहना चाहिए। वाजपेयी जी ने कहा था, मन हार नहीं मानूंगा, राह नहीं छोड़ूंगा जब तक ये, देखिए उन्होंने चुनाव लड़े, बहुत बार हुए थे, कई बार जीते कई बार हारे, लेकिन अंत तक उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को अचीव किया, क्योंकि उस क्षेत्र में लगे रहे, परफेक्शन दिन पे दिन उनके कार्यों में हुआ। अगर आप लोगों ने उनका भाषण कभी सुना है कि नहीं सुना, लोग बताते 50 किलोमीटर दूर से जाके 3 घंटे पहले उनका भाषण सुनने के लिए बैठ जाते थे, पूरा हाल सभा खचाखच होता था। लेकिन जब यह था सत्ता के पहले, लेकिन लोग भाषण सुनते थे, वोट नहीं देते थे, उस समय यह भी होता था कि लोग उनके, क्योंकि सुनने आते थे, पार्टी की उस समय संगठन सब नहीं थी कि सुनने आए उनको वोट में कन्वर्ट कर पाए, वो बहुत बाद में हुआ। तो इसलिए हमें हमेशा इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि जो नियम से विधि विधान से कार्य करेगा वो फायदे में रहेगा, जो नियम और विधियों का पालन नहीं करेगा उसको बहुत दुख होगा और वो हमेशा चिंतामग्न रहेगा, उसको कुछ नहीं अशांति का होगा। अब ये हमें तय करना, हमें शांति से रहना है कि अशांति से रहना है, यह हम तय करेंगे तभी हमें खुशी होगी। और एक बार फिर मैं कहूँगा, कर्म अन्य वाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचनम, कर्म करना चाहिए फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी कर्म होता है वो फल के साथ जुड़ जाता है और फल उसके हिसाब से हम कर्म करते हैं तो गड़बड़ होता है। हम अपने आप प्रयास करें, जो भी मिले उससे प्रसन्न रहें, यही हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी धरोहर होगी। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद यहाँ आमंत्रण करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे भाई जी का। अभी मैं हमारे जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन भ्राता बीएल महेश्वरी जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने चंद शब्दों में हम सभी के सामने
अपने विचार प्रस्तुत करें भ्राता बीएल महेश्वरी जी। ओम शांति। गुजरात के जैन समाज ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अहमदाबाद को एक प्रतिवेदन भेजा कि प्रदूषण के दिनों में 9 दिन तक हम बहुत बहुत अहिंसक रहते हैं, ऐसे समय में हम न तो मीट को देख सकते हैं, न कटिंग ऑफ एनिमल्स को ही देख सकते हैं, उसका सोच भी नहीं सकते, इसलिए 9 दिन के लिए ये प्रतिबंध किया जाए। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसको हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में चैलेंज किया गया 2 ग्राउंड पर, कि एक तो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन कैरी एनी ट्रेड और बिजनेस एनीवेयर इन इंडिया, तो ये उसके ऊपर एक फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए इसको इनवैलिड किया जाए। और दूसरा, टू बी ए नॉन वेज इज ऑल्सो अवर फंडामेंटल राइट, और गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी रिट पिटीशन को मानते हुए ऑर्डिनेंस को कैश कर दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट हिंसक विरोधक संघ वर्सेज मिर्जापुर नवाब वाजिद अलीगढ़ के नाम से AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 1892 पर पब्लिश है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि ये मानते हुए कि आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है कटिंग ऑफ एनिमल्स एंड सेल ऑफ मीट, परंतु यहाँ क्वेश्चन इस फंडामेंटल राइट का नहीं है, क्वेश्चन यह है एडजस्टमेंट का है। इस भारतवर्ष में जहाँ मल्टी लीगल मल्टी नेशनल मल्टी कल्चर है, इतना बड़ा देश है जिसमें अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषाएँ हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों को देखते हुए अगर हमारे आपस में एडजस्टमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये नेशन चल नहीं सकेगा। उन्होंने 2 एग्जाम्पल दी उसके लिए। पहली एग्जाम्पल दी कि वाजिद अली शाह उस समय अवध के नवाब थे और एक दिन होली, रंग खेलने की होली और मुहर्रम एक ही दिन आगे थे, तो वहाँ के हिंदुओं ने, लखनऊ के हिंदुओं ने यह तय किया कि हम होली नहीं खेलेंगे। मुहर्रम के दिन प्रोसेशन निकला, एक प्रोसेशन में नवाब वाजिद अली का खुद थे। प्रोसेशन समाप्त हुए, जब लौट के आने लगे तो उनको याद आया कि आज रंग खेलने की होली है, मगर कहीं चंग की आवाज़ नहीं, कहीं रंग के गीत गाने नहीं हो रहे हैं, क्या बात है। तो उनको बताया गया कि मुहर्रम की वजह से हिंदुओं ने तय किया कि हम होली नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने कहा ये क्या बात हो गई, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने इतना तय किया तो अब हम हिंदुओं के मोहल्ले में चलते हैं और होली खेलते हैं। और उन्होंने जाके हिंदुओं के मोहल्ले में जाके पहला रंग इन्होंने हिंदुओं पर डाला और इस तरह से एडजस्टमेंट किया। दूसरा एडजस्टमेंट, दूसरे पॉइंट तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बताया वो ये था कि महान सम्राट अकबर बहुत शिकार के शौकीन थे और पक्के नॉन वेज थे। उन्होंने कई धर्म वालों को बुलाया था और उसमें कुछ जैन समाज के धर्माचार्यों को भी बुलाया था, 4 साल तक उनके साथ रहे, अहिंसा की उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली। और पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैं सप्ताह में सिर्फ 3 दिन स्ट्रिक्टली वेज रहूँगा, 4 दिन स्ट्रिक्टली नॉन वेज रहूँगा और 3 दिन छोड़ दूँगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि अकबर जैसा महान सम्राट सप्ताह में 3 दिन के लिए स्ट्रिक्टली वेज रह सकता है, तो क्या गुजरात के मुसलमान साल में 9 दिन के लिए स्ट्रिक्टली वेज नहीं रख सकते क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने आर्टिकल 19(1)(g) की इस तरह से इंटरप्रेट करके और उन्होंने होल्ड किया कि एडजस्टमेंट इज ऑल्सो ए वेरी नेसेसरी कैरेक्टर एंड क्वालिटी विच शुड बी अडॉप्टेड एंड एडॉन, और यह कह के उस केस का डिसीजन दिया। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये इनर रिसोर्सेज क्लियर पॉइंट था कि 19(1)(g) कॉन्स्टिट्यूशन में आप किसी फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकते, पर उन्होंने उसको किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन दिया, ये इनर रिसोर्स के आधार पर ही ऐसा हो सकता है वरना नहीं हो सकता। आज हमारे सामने जो सब्जेक्ट है उसका हिंदी अनुवाद किया मैंने कि न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए अंदर के साधनों का उपयोग किस तरह हो सकता है। अंदर के साधनों का योग का अब चूंकि समय की सीमा है, मैं सिर्फ एक इतनी बात करना चाहूँगा कि एक वर्ड है शिष्टाचार। शिष्टाचार का अगर इंटरप्रिटेशन करें, उसका मीनिंग लें, तो कई मीनिंग उसमें आते हैं।
सरलता भी आती है, नम्रता भी आती है, सहनशीलता, पवित्रता, अनुशासन आदि सभी सरलता के शिष्टाचार में इनका समावेश हो जाता है। तो अगर शिष्टाचार का समावेश अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हो तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। एक शिष्टाचार का उदाहरण मैं बता राठी जी की तरह से रामायण से ही देना चाहूँगा कि जिस समय श्री राम अपनी सारी सेना लेके साउथ में जाके उन्होंने अपना शिविर लगा दिया और शिविर लगाने के बाद में उनका एक मंथन चला कि हमारी ताकत और रावण की ताकत में किसकी ताकत श्रेष्ठ है और अगर हमारी ताकत रावण की ताकत से श्रेष्ठ नहीं है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि हमारी ताकत अभी रावण की ताकत से श्रेष्ठ नहीं है तो इसके लिए हमको यज्ञ करके शक्ति अर्जित करनी चाहिए। तो यज्ञ के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो यज्ञ का यजमान हो उसके साथ उसकी पत्नी भी हो और एक ब्राह्मण हो, जो ब्राह्मण पद्धति से अच्छी पद्धति से वो यज्ञ का सुचारू रूप से संचालन करवा सके। तो वहाँ पे अच्छा ब्राह्मण तो एक श्री रावण ही था और पत्नी राम की उनकी रावण के पास थी तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि तुम जाके रावण से कहो, मान रावण से कहो कि हम इस तरह से ये यज्ञ करना चाहते हैं शक्ति अर्जित करके तुमको हराने के लिए। आप देखिए शिष्टाचार कितना उच्च शिष्टाचार है, एक व्यक्ति अपने पर सामने वाले शत्रु से कह रहा है कि मुझे तुझे हराने के लिए शक्ति अर्जित करनी है और उसके लिए मुझे यज्ञ करना है और यज्ञ के लिए मेरी पत्नी चाहिए, तुम मेरी पत्नी को भेज। और उस पत्नी को लाने के लिए तो सारा यज्ञ हो रहा था तो हनुमान जी ने जाके कुछ ऊपर नीचे बातें कही तो रावण को क्रोध आ गया और कहा तू दूध बन के आया, चला जानी तो तेरी अभी गर्दन बोड़ दूंगा। वो वापस लौट आया, श्री राम समझ गए, उन्होंने फिर लक्ष्मण जी को भेजा और लक्ष्मण जी ने बड़े शिष्टाचार से कहा मान रावण आप बहुत बुद्धिमान हो, आपसे शेष कोई ब्राह्मण नहीं है, मेरे पिता श्री राम ने आपको निवेदन किया है कि आप इस तरह से वो ये करना चाहते हैं और आप सीता जी को मैया को लेकर आप खुद आइए, तीन दिन आप ये कराइए, सीता मैया को लेकर आइए और वापस साथ ले जाइए। उसने तथास्तु किया, वो आ गया, तीन दिन तक यज्ञ चला और बहुत रीति से सुचारू रूप से ये करवाया गया। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद में श्री राम ने रावण को कहा कि जब तक मैं दक्षिणा नहीं दूंगा मेरा यज्ञ का मुझे फल नहीं मिलेगा तो क्या दक्षिणा दूँ। तो रावण आसार कहने लगा कि बदमाशी राम, तेरा राज तो तेरे भाई ने ले लिया और तेरी पत्नी मेरे पास है, तेरे पास है क्या जो तू मुझे दक्षिणा में देगा, कि नहीं फिर भी मांगो। तो रावण ने सोच के कहा कि मुझे और कुछ नहीं, युद्ध में तुम्हारा अपना शिष्टाचार मेरे विरुद्ध काम में मत लेना, यही मेरी दक्षिणा होगी। और उसने यही मांग की, रावण ने श्री राम ने कहा तथास्तु। शिष्टाचार इतना उच्च उतना महत्व का चीज़ है कि जिसके आगे सारी चीज़ें नतमस्तक हो जाती है। तो जब तक हम न्यायपालिका में भी अपने सदुपयोग के लिए शिष्टाचार यूज नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो न्याय की गरिमा है वो चढ़ नहीं सकेगी। मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले राठी जी की एक बात के ऊपर कहना चाहूँगा जो लास्ट में उन्होंने कही थी कि श्री राम ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया और और वो फेंकते ही डूब गया। फिर हनुमान जी से उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ ये हुआ है, तो हनुमान जी ने कहा आप जिसको छोड़ोगे वो तो मरेगा ही। तो मुझे कबीरदास जी याद आ गए। कबीरदास जी एक दफ़े अपने लड़के कलाम के साथ में कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक घर के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी और गट्टी में गेहूँ डाल के गट्टी पीस रही थी, गट्टी में दाना पीस रही थी। तो जब वो गट्टी चला रही थी तो उसको देख के कबीर जी ने एक दुआ कहा जो आप सब जानते होंगे, चलती चक्की दे के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचानक होए। तो उनके लड़के कलाम से रहा नहीं गया तो उस पर कलाम बोला कि चलती चक्की दे के दिया कलाम हंसाए, जो कील से जुड़ा रहे उसको काल न खाए। तो जो कील से जुड़ा रहता है उसको काल कभी नहीं खा सकता, जो परमात्मा से जुड़ा रहता है उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में यही बात कही है परमात्मा ने कि तुम मेरी शरण में आ जा और मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तुझे सर्व दुखों से दूर कर दूंगा, छोड़ दूंगा, छुटावा कर दूंगा और तेरे सब दुख मेरे दुख होंगे, तेरे कठिनाई है मेरी कठिनाई होगी, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें भगवान पर विश्वास है, निष्ठा है, श्रद्धा है और एक भगवान को अगर हम मानते हैं तो वो भगवान हमेशा आगे बढ़ के हमारी से रक्षा करता है और करता रहेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अभी हमारे बीच में आज के सेशन की चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगिनी दीदी संतोष बैठी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे अपना अध्यक्ष भाषण हम सभी के सन्मुख रखें। दीदी वैसे तो पंजाब से हैं, बाल काल में ही अपना जीवन इस यज्ञ इंस्टीट्यूशन में समर्पित किया आध्यात्मिक सेवाओं के लिए, और फिर बाबा ने इनको बॉम्बे में सेवाओं के निमित्त भेजा और बॉम्बे में ही अबाउट 35 to 40 ईयर्स से अपनी वो सेवाएं दे रही हैं। बॉम्बे जोन इंचार्ज हैं, जिसमें महाराष्ट्र और हैदराबाद आ जाता है, उन सभी सेवा केंद्रों का आप संचालन करती हैं। देश विदेश में जाके अनेक भाई बहनों को ज्ञान देके उनको लाभान्वित किया हुआ है। जैसा कि नाम है संतोष, वैसे ही आप बहुत ही संतोषी हैं। आप उनके मुखारविंद से सुनेंगे किस प्रकार इन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर योग तपस्या द्वारा अपने आप को इतना ऊंच और महान बनाया है। आदरणीय संतोष दीदी जी। ओम शांति। सब प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। बहुत समय से लेकर के आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, अनुभव सुन रहे हैं, उदाहरण सुन रहे हैं। कहा जाता है हम जैसा सुनते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे मन के ऊपर ज़रूर होता है, क्योंकि सुनना ये भी कानों का भोजन, कान के द्वारा वो मन में जाता है और उसका इफ़ेक्ट होता है। सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि जो अच्छी बातें हैं वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं देनी है, परंतु उसको अंदर हजम करना। दो कान इसलिए नहीं मिले हैं कि अच्छी बातों को दूसरे कान से निकालने के लिए। हाँ, बुरी बातों को निकाल सकते हैं, बाकी अच्छी बातों को तो धारण करना है। अभी इतना सब सुनने के बाद एक छोटी सी बात हम आपको बताती हैं। ये जो सृष्टि है ये एक कर्म क्षेत्र है। खेती में हम जैसा बीज लगाते हैं उसका फल हमको जरूर मिलता है, तो जो भी हमें प्राप्तियाँ होती हैं अच्छी चाहे बुरी, ये हमारे कर्मों के अनुसार ही होती है। एक छोटा सा उदाहरण अगर आप अपने सामने रखेंगे, जिस प्रकार आप कोई ड्रामा देखते हैं, उस ड्रामा में राजा जो है वो अपना पार्ट बड़ा अच्छा प्ले करता है, सब देखने वाले बड़े खुश होते हैं उसको देख करके, और वो भी बड़ा खुश होता है, डायरेक्टर भी खुश होता है कि इसने बड़ा अच्छा पार्ट बजाया। परंतु वो पार्ट बजाते बजाते उसकी उस ड्रेस में, उस सजावट में आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। जब उसका पार्ट पूरा होने पर आता है तो वो सारा स्वभाव धीरे धीरे समेटना चालू करता है। डायरेक्टर देखता है कि इसका पार्ट राजा का पूरा हो गया और ये सारा अपना सामान जो है उसको समेट करके और ले जाना चाहता है। राजा उसको, डायरेक्टर उसको समझाता है, अभी तक तूने राजा का पार्ट प्ले किया तो तूने ये ड्रेस पहना,
तूने ये सारी सजावट किया, अभी जब दूसरा बनेगा तो उसके लिए इसकी आवश्यकता है, ये छोड़ दो। और उससे वो छुड़ा देता है और आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टर उसको क्या सजा देता है। उसको आगे के लिए यही सजा देता है कि वापस ऐसा कोई भी अच्छा पार्ट उसको नहीं देता है जो उसको वहाँ से कोई भी चीज़ उठाने की इच्छा हो। उसी प्रकार इस सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर जिसको जो भी प्राप्तियाँ हुई है, हम जब प्राप्ति होती है तब कहते हैं ईश्वरीय कृपा से हुई है, ये सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, परंतु उस प्राप्ति को इस्तेमाल करते हुए, उन प्राप्तियों को स्वीकार करते हुए हम अगर ये समझ लेते हैं कि ये सब हमारी हैं, उसमें अगर हमारी आसक्ति पड़ जाती है, जो भी सुख सुविधाएं मिलती है, सामान मिलता है, व्यक्तियां मिलती हैं, जब उसमें हमारा मोह अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो हमारा जो डायरेक्टर है, वो सुप्रीम जज है, वो हमें सजा नहीं देता है, परंतु ये जो बेहद का सृष्टि रूपी नाटक है, इसकी नूंद के अनुसार उस व्यक्ति को ये सजा मिलती है, आगे जन्म दूसरे जन्म में उसको कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिलती। तो अगर हम हमेशा ये ध्यान में रखें कि हमारे पास जो भी साधन है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ है, ये हमारे नहीं हैं, परंतु ये हमारे को ईश्वरीय सौगात मिली हुई है, ईश्वरीय गिफ्ट मिली हुई है, और ये सब कुछ हमें औरों की सेवा में लगानी है। तो सेवा भावना, अगर इस दिव्य गुण को हम जीवन में धारण कर लेते हैं, औरों के कार्य में लगाते हैं और अनासक्त होकर के रहते हैं, न्यारे होकर के रहते हैं, तो प्रभु के जरूर प्यारे बनते हैं और सर्व से हमें सहयोग भी स्वतः ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए अनासक्ति, ये जो दिव्य गुण हैं, अगर इसको जीवन में धारण किया जावे तो हमारा जीवन जो है वो सदा के लिए सुखी और शांत हो जाता है, क्योंकि ये मेरा है, मेरा है, ये जो हमने पाठ पक्का कर लिया है, उसके कारण ही सुखी दुखी होता है मनुष्य। और जब मेरे के बदले ये बुद्धि में आ जाता है कि ये सब ईश्वरीय अमानत है, ये समझने के बाद हमारा जीवन सुखी होता है और हमें जो ड्यूटी मिली है उस ड्यूटी को भी अच्छी तरह से हम जरूर निभा सकते हैं। तो इसीलिए अपने को परमात्मा पिता हम बच्चों को यही कहता है कि आप घर गृहस्थ में रहिए, अपनी ड्यूटी संभालिए, परंतु अपने को गृहस्थी नहीं परंतु ट्रस्टी होकर के रहिए। करने वाला कराने वाला वो है और हम निमित्त मात्र बन करके ये सारा कार्य कर रहे हैं, ये बुद्धि में रख करके अगर आप चले गए तो आप जो जजमेंट देंगे वो भी राइट देगी, क्योंकि आपकी बुद्धि भी उससे सालम हो जाएगी, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, जिससे आपको बहुत ही फायदे होंगे, आप भी सुखी होंगे और आपके साथ जो दूसरे हैं वो भी सुखी होंगे। तो इसीलिए औरों का परिवर्तन करने के पहले इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही ब्रीद महावाक्य है कि आप स्वयं का परिवर्तन कीजिए, स्व परिवर्तन से ही हम सारे समाज को परिवर्तित कर सकते हैं और समाज परिवर्तन से सारा संसार परिवर्तित हो सकता है। परंतु स्व परिवर्तन के लिए अपने विचारों को परिवर्तन करना है, क्योंकि जैसे विचार वैसा कर्म, जैसे कर्म वैसे संस्कार और जैसे संस्कार वैसा ही संसार। और उन विचारों को परिवर्तन करने के लिए ही यहाँ पर जो राजयोग की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इसका जरूर 2-3 दिन जो भी है उसका फ़ायदा उठा करके और उससे लाभ लेकर के जाएंगे, और आगे के लिए भी अपने पास ये पक्का रखेंगे कि हमारे को खुद के लिए, आप औरों के लिए तो बहुत टाइम निकालते हैं, रिश्तेदारों के लिए भी निकालते हैं, कोर्ट कचहरियों के लिए भी निकालते हैं, परंतु खुद के लिए भी, आत्मोन्नति के लिए भी हमारे को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर निकालना है और अपनी आत्मोन्नति करके
खुद को भी परिवर्तित करना है और सारे विश्व को भी सहयोग जरूर देना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी का। बहनों से निवेदन करूंगी कि संतोष दीदी द्वारा हमारे बीच में वाइस चांसलर उपस्थित हैं, उनका सम्मान कराएं, शॉल टोली प्रस्तुत करके उनका सम्मान करेंगी दीदी जी। उन्हें भी भागवत गीता, महाभारत और गीता किताब भेंट में दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश तन्नू जी। आप 40 सालों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, कुमार हैं अभी, और बॉम्बे कल्याण में आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं, और अभी कल्याण से एक बहुत ही बड़ा ग्रुप 50-55 एडवोकेट्स का आप तैयार करके इस कॉन्फ्रेंस में लाए हैं। सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बहुत सारी सेवाएं वहां करते रहते हैं। सतीश भाई, ओम शांति। आई वुड लाइक टू फर्स्ट थैंक ऑलमाइटी शिव बाबा हु इज द सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु, हु हैज एनलाइटन अस एंड अवेकन अस एंड इंस्पायर्ड अस टू अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी। All of you know there is a promise, proclaimed promise in Gita. He has said, I will come. I will come, I will remove the irreligiousness from India. And in fact, he has kept his promise. Now we have to return whatever he has enlightened us. You know all the lawyers, they have fought for the political freedom. Now the lawyers have a duty, and I will expect that every lawyer here who has come will take a solemn pledge that will make our country India poverty free, disease free, evil free, and will make the India land of plenty, land of love, land of purity, land of prosperity, which is described in these scriptures, in various scriptures, as paradise, swarga, bahisht. On behalf of all, I will thank the Almighty Shiv Baba for giving us inspiration to hold this conference. I will also thank Honorable Justice Devendra Kumar Arora. I will also thank Justice Bhagwan Das Rathi, S.S. Pandey, Vice Chancellor of Vikram University. I will also thank our Chairman Maheshwari Ji. I will also thank our National Coordinator Lata Behen. Despite her physical difficulty, physical incapacity, she has toiled very hard to make this conference a grand success.
I will also thank respected Santosh Didi, zone in charge of Maharashtra state, and also chairperson of the social services wing to deliver a keynote address, very precise address to all the advocates. I will also thank Renu Behan for giving you a splendid meditation experience. I will also thank hundreds of my brothers and sisters who have very toiled hard for many days behind the curtain to make this conference a grand success. Last but not least, I will thank all the delegates who have taken pains to come over here, have a very nice enlightenment, empowerment, and I thank you very much, very much, very much. Thank you. Satish Bhai ka bhi bahut bahut thanks. Om Shanti.